20 मई को पुलिस के सामने एक और नई चीज़ आती है जो पुलिस को बुरी तरह से उलझा कर रख देती है, क्योंकि उस रोज़ पुलिस को लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है। ये लाश भी जंगल में ही मिलती है और उसी तरह जली हुई हालत में। उसका भी गला रेता हुआ था, सेम ऋतिक के जैसा। अब पुलिस को एक चीज़ मिल जाती है, कत्ल का तरीका एक जैसा और लाश को जलाकर फेंकने का तरीका दोनों का एक सा। टीवी हमारी ज़िंदगी में कितना गहरा असर डाल सकता है और उस असर में आकर कोई भी इंसान किस हद तक गुनाह के दलदल में धंस सकता है, आज की कहानी इसी बात को उजागर करती है। आज का किस्सा एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का है जिसमें एक वक्त ऐसा भी था जब गुनहगार कानून के रखवालों से दो कदम आगे चलता हुआ दिखाई दिया। इस मर्डर मिस्ट्री को जब पुलिस सुलझाने निकली तो उसे एक के बाद एक कई पहेलियों के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। पुलिस जहां पहुंचने की सोचती, गुनहगार उनसे दो कदम आगे निकल जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, तो इस स्टोरी को जानने से पहले आपको कानून में हुए एक बदलाव को जानना बहुत ज़रूरी है। निर्भया केस हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, जब एक लड़की के साथ देश की राजधानी में हैवानियत की इंतहा हो गई थी और फिर उसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया था। सड़क से संसद तक सभी जगह कानून को सख्त करने और गुनहगार को सख्त सज़ा दिलाने की वकालत तेज हो गई थी। उसी वक्त एक कानून में संशोधन किया गया था। असल में इस बदलाव की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी क्योंकि निर्भया केस के 6 गुनहगार थे, उनमें से एक नाबालिग भी था। जिस वक्त उस नाबालिग ने इस गुनाह को अंजाम दिया था, उस वक्त उसकी उम्र 17.5 साल थी। कानूनी तौर पर बालिग होने में उसे 6 महीने बचे थे और पुराना कानून उसे सख्त सज़ा देने का हिमायती नहीं था, लिहाजा उस कानून की आड़ में वो बच भी गया। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि निर्भया पर सबसे ज़्यादा जुल्म उसी ने ढाए थे, मगर नाबालिग होने की वजह से वो कानून की सख्त धाराओं में घिरने से बच गया और सिर्फ 3 साल की सज़ा ही दी जा सकी, और वो भी बाल सुधार गृह में रहने की। जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके लिए इतनी ही सज़ा मुकर्रर की थी। 3 साल के बाद वो आज़ाद भी हो गया। इस गुनहगार के आज़ाद होने की सूरत में देश के कानून में बदलाव किया जाना ज़रूरी हो गया। तब अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया, यानी हत्या के एक मामले में गुनहगार जो कि नाबालिग था और उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा सुनाते समय अदालत ने ये कहा कि सज़ा सुनाते समय गुनहगार की उम्र पर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अदालत को ये भी देखना चाहिए कि गुनहगार ने जो गुनाह किया है वो किस किस्म का है और वो गुनाह कितना क्रूर है। और अदालत के इसी फैसले की रोशनी में आज की कहानी है। लेकिन आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और अच्छी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत 6 साल पहले यानी 2017 में हुई थी। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है गुना। गुना शहर में ही 5 दोस्त रहते थे, सभी आसपास के मोहल्ले में रहने वाले थे। जात पात और अमीरी गरीबी से हटकर पांचों में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। इन्हीं 5 दोस्तों में एक था हेमंत। हेमंत ने अपने पिता से बाइक लेने की जिद कर ली थी, लिहाजा सिंचाई विभाग में काम कर रहे हेमंत के पिता ने बेटे की जिद मान ली और उसे सेकेंड हैंड बाइक लेने की इजाज़त और पैसे दे दिए। 18 मई की रात हेमंत अपने एक दोस्त हनी दुबे के साथ 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने के लिए निकला, लेकिन फिर लौटा नहीं। बेटे के घर वापस न लौटने पर हेमंत के पिता परेशान हो जाते हैं। पिता हेमंत की तलाश में निकलते हैं और सभी दोस्तों से पूछताछ करते हैं। दोस्त भी हेमंत के पिता को एक जैसा ही जवाब देते हैं कि वो तो बाइक लेकर रात में ही घर चला गया था। अब हेमंत के पिता को बेटे की फिक्र होती है, लेकिन हेमंत का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता।
यहाँ तक कि अपने सारे रिलेटिव से भी हेमंत के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को हेमंत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। थक हार कर हेमंत के पिता पुलिस के पास पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद उस पर गंभीरता नहीं दिखाई और मामले को टाल दिया। पुलिस की दलील यही थी कि नई उम्र का लड़का है, 40,000 जेब में है और नई बाइक भी है, हो सकता है कहीं घूमने चला गया हो। 19 मई को हेमंत के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हैरानी की बात यह है कि ये कॉल हेमंत के ही मोबाइल से किया गया था, लेकिन उस कॉल में फिरौती मांगी गई थी। फ़ोन करने वाले ने हेमंत के पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 50,00,000 रुपए दे दो, बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। हेमंत के पिता ने फिरौती मांगने वाले से कहा कि वो पैसे दे देंगे और इतना कहकर फ़ोन रख दिया और सीधा पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। हेमंत के पिता की बात सुनकर पुलिस परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि मामला किडनैपिंग का है। लिहाजा पुलिस नंबर को ट्रेस करती है तो उसे इंदौर की लोकेशन मिलती है। पुलिस की एक टीम इंदौर रवाना हो जाती है। इधर पुलिस हेमंत के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। तीन दोस्तों पुलिस को मिल जाते हैं, लेकिन एक दोस्त नहीं मिल रहा था, उसका नाम था ऋतिक। लिहाजा पुलिस के शक के दायरे में ऋतिक आ जाता है। पुलिस को महसूस होता है कि हो ना हो इस कांड के पीछे ऋतिक का ही हाथ हो सकता है। पुलिस दो संभावनाओं पर काम करती है। पहला ये कि ऋतिक इस कारनामे के पीछे हो सकता है, या फिर ऋतिक भी हेमंत के साथ गायब हुआ होगा। पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ ही रही थी कि गुना के पास के जंगलों से पुलिस को एक जली हुई लाश मिलती है। उस लाश को किसी राहगीर ने देखा था, लिहाजा पुलिस को इत्तला देता है। पुलिस लाश की शिनाख्त करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से जली हुई नहीं थी, वो लाश ऋतिक की थी। ऋतिक की लाश मिलते ही पुलिस भी चौंक जाती है और गुना में हड़कंप मच जाता है। पुलिस इसलिए चौंक जाती है कि जिस पर वे शक कर रहे थे उसकी ही लाश मिल जाती है। आखिर हत्या करने वाले को ये कैसे पता चला कि अब पुलिस ऋतिक से पूछताछ करेगी। उधर हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लिहाजा पुलिस एक बार फिर हेमंत के दोस्तों से पूछताछ करती है। पुलिस को बाकी बचे तीनों दोस्तों पर शक होने लगता है, हालांकि हेमंत के तीनों दोस्त ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पुलिस को ऋतिक की लाश वाली जगह के पास ही एक फ़ोन भी मिला था, और वो फ़ोन था हेमंत का। अब यहाँ पुलिस बुरी तरह से उलझ जाती है, कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। लिहाजा पुलिस अपने रडार पर हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा को लेती है। पुलिस दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। 20 मई को पुलिस के सामने एक और नई चीज़ आती है, जो पुलिस को बुरी तरह से उलझा कर रख देती है, क्योंकि उस रोज पुलिस को लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है। ये लाश भी जंगल में ही मिलती है और उसी तरह जली हुई हालत में। उसका भी गला रेता हुआ था, सेम ऋतिक के जैसा। अब पुलिस को एक चीज़ मिल जाती है, कत्ल का तरीका एक जैसा और लाश को जलाकर फेंकने का तरीका दोनों का एक सा। लेकिन पुलिस इस बात से ज़्यादा परेशान होती है कि जिस पर भी शक होता है उसकी लाश मिल जाती है। पुलिस माजरा समझ नहीं पाती है, क्योंकि दो दिन में दो दोस्तों की लाश मिली और तीसरा हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर लगातार दो दिन दो लाश मिलने की घटना से गुना में लोग हैरान और परेशान हो गए। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे और हेमंत के घर वाले भी पुलिस पर दबाव बनाने लगे। अब पुलिस के लिए ये केस सुलझाना उसकी नाक का सवाल बन गया। लिहाजा पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। अब पुलिस के शक के दायरे में आते हैं दो और दोस्त। अब पुलिस हनी दुबे के साथ साथ उस पांचवें दोस्त से पूछताछ करती है। वो इन पांचों दोस्तों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो जब पुलिस को अपने बारे में बताता है तो पुलिस की जांच में वो सब सही निकलती है। पुलिस उस पर शक नहीं कर पाती, लिहाजा अब शक की सुई आकर टिक जाती है हनी दुबे पर। परेशानी की बात ये थी कि हनी इन सब में सबसे छोटा था और नाबालिग भी था। पुलिस हनी दुबे से बात करती है
तो उसने फिर वही कहानी दोहरा दी जो उसने पहले दिन पुलिस को बताई थी। उलझन में फंसी पुलिस अचानक हनी दुबे की माँ से पूछताछ करने लगती है। पुलिस ने हनी दुबे की माँ का अतीत खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस हनी दुबे की माँ का अतीत खंगालना शुरू करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि हनी दुबे की माँ का बड़े और रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना है, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस को ये भी पता चला कि हेमंत का हनी दुबे के घर आना जाना था। इतना पता चलने पर पुलिस अब पूछताछ के दायरे में हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे को ले आती है। दोनों पुलिस के सभी सवालों के जवाब देते हैं और हेमंत की गुमशुदगी को लेकर नकारते रहे, लेकिन तब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पुलिस के बदले तेवर देखकर एक ही झटके में सब कुछ साफ हो गया। तब पुलिस के सामने आई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर खुद पुलिस को भी यकीन नहीं हो पा रहा था। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस एक बार फिर गुना के जंगलों का रुख करती है और तलाश शुरू करती है, तो उसे अलग अलग जगहों पर लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो लाश भी जली हुई थी और गले पर कटे का निशान भी वैसा ही था जैसा बाकी दो लाशों पर मिला था। वो लाश हेमंत की थी। अब पुलिस के सामने तीन दोस्तों की लाशें थीं और इत्तेफाक से तीनों दोस्त ही नाबालिग थे। तब पुलिस हनी दुबे और पूनम दुबे से पूछताछ करती है। वो कहानी ऐसी थी जिसके कुछ पन्नों की इबारत के बारे में सिर्फ पूनम दुबे को ही पता था। पुलिस के सामने जो किस्सा आया वो बेहद सनसनीखेज था। असल में पूनम दुबे अपने पति से अलग अपने बेटे हनी दुबे के साथ रहती थी, लेकिन पूनम दुबे को पैसों की भूख थी और वो अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। वो जिस मोहल्ले में रहती थी वहीं हेमंत भी रहता था। हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में ऑफिसर थे और उनका रहन सहन काफ़ी अच्छा था। तब पूनम ने हेमंत के घर वालों से दोस्ती करने का इरादा किया और अपने बेटे को हेमंत से दोस्ती करने को कहा। हनी ने मोहल्ले के नाते हेमंत से दोस्ती शुरू कर दी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। तब हेमंत ने अपने दूसरे दोस्तों के साथ हनी की दोस्ती करवा दी और धीरे धीरे सभी अच्छे दोस्त हो गए और इनकी मंडली तैयार हो गई। दोस्तों के बीच जब घर आना जाना शुरू हुआ तो पूनम दुबे ने हेमंत के साथ रिश्ते बनाने शुरू किए। इससे हेमंत का हनी के घर आने जाने का सिलसिला बढ़ गया। हेमंत का वक्त बेवक्त हनी के घर आना हनी को अखरने लगा। तब हनी को अपने दोस्त पर शक हुआ कि हेमंत और उसकी माँ के बीच कोई रिश्ता कायम हो गया है। इसी बीच हेमंत को पूनम उकसाकर घर से पैसे और जेवर की चोरी करवाने लगी। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। इसी बीच 18 मई को हनी को पता चला कि हेमंत अपने पिता से 40,000 रुपये लेकर बाइक लेने जाने वाला है। हनी ने हेमंत से कहा कि वो भी साथ चलेगा। तब हनी और हेमंत पैसे लेकर बाइक से जा रहे थे तो रास्ते में हनी ने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया और बियर पार्टी कर ली, और उसी पार्टी के दौरान हेमंत और हनी में माँ को लेकर बहस छिड़ गई। तभी हनी ने बियर की खाली बोतल से हेमंत के सिर पर वार किया और उसका गला रेत दिया और फिर पेट्रोल डालकर हेमंत की लाश को जला दिया। हनी की इस करतूत के उसके दो दोस्त लोकेश और ऋतिक चश्मदीद थे। हेमंत का काम तमाम करने के बाद हनी घर गया और उसने ये किस्सा अपनी माँ को बता दिया। तब पूनम ने हनी को इस गुनाह को और संगीन करने का रास्ता दिखाया और लाश को ढंग से जलाने और ठिकाने लगाने का तरीका बताया। इसके बाद पूनम एक साजिश रचती है। वो बाकी दोनों दोस्तों को अपना मुंह बंद रखने की हिदायत देती है और हेमंत के पिता से फिरौती वसूलने का प्लान बनाती है, और वही ऋतिक को हेमंत का मोबाइल देती है और उसे इंदौर जाने को कहती है और वहीं से हेमंत के पिता को फ़ोन करने को कहती है। फ़ोन पर क्या कहना है और कैसे कहना है ये भी पूनम ही ऋतिक को बताती है।
पूनम पूरी साजिश को टीवी पर आने वाले क्राइम सीरियल्स को देखकर ही आइडिया से तैयार करती है। हेमंत के पिता को फोन करने के बाद ऋतिक वापस लौट आता है। इसी बीच दूसरा दोस्त लोकेश हनी से कहता है कि उसे फिरौती की रकम में से उसका हिस्सा अभी चाहिए, क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं था और पैसे न देने की सूरत में पुलिस में जाने की धमकी देता है। तब हनी और ऋतिक मिल जाते हैं और लोकेश को जंगल में ले जाते हैं। वहां शराब पिलाते हैं और फिर लोकेश की भी हत्या कर देते हैं, उसी तरह जैसे हेमंत को मारा था। लोकेश का काम तमाम करने के बाद हनी दुबे, उसकी माँ और ऋतिक घर लौट रहे होते हैं और माँ का इशारा पाते ही मौका देखकर हनी अपने दोस्त और इकलौते चश्मदीद ऋतिक को भी मार डालता है। इस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए वो लोग दो और कत्ल कर देते हैं और वापस गुना लौट आते हैं, लेकिन पुलिस के शक के दायरे में होने की वजह से हनी पुलिस के सवालों से बच नहीं पाता। लेकिन जब पुलिस हनी के साथ साथ पूनम की कुंडली खंगालती है और सख्ती से दोनों से पूछताछ करती है तो सारी कहानी सामने आ जाती है। यानी जिस जिस पर शक हुआ उसका कत्ल होता गया और पुलिस एक के बाद एक तीन लाश के चक्कर में उलझ कर रह जाती है। पुलिस अब हनी को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लेती है और पूनम दुबे को साथी आरोपी बना लेती है। इसके बाद 5 साल तक ये मुकदमा चलता है। 5 साल मुकदमा चलने के बाद 2022 में अदालत हनी को नाबालिग होने के बावजूद उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। हालांकि जुर्म के वक्त हनी नाबालिग था, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि जुर्म के वक्त जो कुछ उसने किया, अदालत उसकी सिर्फ उम्र नहीं देखेगी बल्कि उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, इस पर गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक के बाद एक जिस तरह से हनी ने 3 कत्ल किए, ये गुनाह किसी भी लिहाज से बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, लिहाजा उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और इसी के साथ ही अदालत ने माँ बेटे को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। माँ बेटे आज भी जेल में अपने दिन गिन रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया था, और निर्भया जैसे केस भी जो नहीं कर पाए वो इस केस ने कर दिखाया। कोर्ट कानून बदलने पर मजबूर हो गई और अपराधी को नाबालिग होते हुए भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।